युवा राजपूत सभा जो है वो महाराजा श्री हरि सिंह जी के जन्मदिन को लेकर छुट्टी मांग रही है। सुबह से वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर बातचीत चल रही है रविंदर रैना से। रविंदर रैना कुछ कह रहे हैं, महाराजा हरि सिंह बहादुर संघ दे बीजेपी दे जनसंघ दे एक बहुत ही मान योग आदरणीय साडे एक पूजनीय है। बंद करो प्रजा परिषद वादी बीजेपी चाहिए जनसंघ बनी जिथे तक गल है 23 सितंबर का अस भी इस चीज के पक्षधर है। जेड़ी युवा जेड़ा युवा मोर्चा युवा राजपूत सभा जेड़ी आखा दिया अस पूरे तरीके के तुम्हारे कन्ने हैं भाई। और सुनो बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए, अगर अगर छुट्टी नहीं मिली तो कौन कुर्सी छोड़ देंगे। यार एक मिनट मेरी गल तो सुन, ए सर सुनने की छुट्टी मिलेगी पूरा जम्मू डोगरा थोड़े कन्ने है। सुनो तुम ऐलान कर दो नहीं छुट्टी मिलेगी मैं नौकरी छोड़ देगा ड्यूटी नौकरी। सुन यार मेरी गल तो सुनो, मेरी गल नहीं पूरी होने देना। सुनो सुनो ओदे बाद महाराजा हरि सिंह जी और जनसंघ दे संघ दे एक सारे अधिकारी बीजेपी दे बंदे हैं तो छुट्टी दे दियो। गल तो पूरी नहीं होने दे तू, गल तो पूरी होने दे वो बीजेपी दे बंदे हैं। सुनो सुनो छुट्टी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी दी, मैं एमएलए हां तुस एमएलए दा रिकॉर्ड कड्डी रखो असेंबली च 23 सितंबर दी छुट्टी आस्ते मैं उत्थे बिल पेश कीता हां और अस आज भी अस इस चीज दी आखने हां तुसे दुबारा एक सभा कर दिया अस तोड़े कन्ने हां और अस इस दा मुद्दा भाई मैं असे कदा नहीं मारया। हैप्पी जी एक देखो और एक सुनो मेरी गल सुनो इत्थे जिले एनसी कांग्रेस दी गवर्नमेंट होंगे है ना। सुनो ना मैं सुनो 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 शेख अब्दुल्ला दी छुट्टियां होंदी हियां बिल्कुल होंदी हां कैंसिल करिए। ओ एक मिनट यार, ना नहीं ओ नहीं सर एक मिनट ना 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 एनी सर साडे कन्ने 100% 900% एक बारी बोलो छुट्टी दो 23 सितंबर की महाराजा हरि सिंह बहादुर 23 सितंबर छुट्टी करो भैया। महाराजा हरि सिंह जी संघ दे जन संघी बंदे साड़ी तो खून दा कतरा कतरा हुंदे सर। असें 10 मिनट प्रोटेस्ट करना है इत्थे टेंट लाइए संधू बॉर्डर अंदर लिखा तुसें साडे कन्ने पहला ओपनिंग एक काम करो अस टेंट लगे लगे गवर्नर साहब से गवर्नर साहब से देखो मैंने थोड़ी घोषणा करनी है फिलहाल देखिए रविंदर रैना यहाँ पर पहुंचे हैं। रविंदर रैना यहाँ पर कह रहे हैं ये देखो यहाँ मीडिया कि अगर 23 सितंबर की छुट्टी नहीं की थी बीजेपी की कोई वोट नहीं पायो करो अनाउंस करो अनाउंस बोलो 23 सितंबर छुट्टी नहीं की बीजेपी ने सानी जूते मारे वोट नहीं दो करो अनाउंस नहीं
फिलहाल देखिए रविंदर रैना जो है वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखिए ऑडियंस में यहाँ पर जो लोग हैं बीजेपी नहीं कर पाए, कोई जम्बूदा बंदा बीजेपी की वोट नहीं पाएगा, करो अनाउंस, करो अनाउंस सर, और करो अनाउंस ए बोलियो राणा साहब बोली ना कि 3 सितंबर तक छुट्टी बीच में नहीं की थी, बीजेपी की कोई वोट नहीं पाए संगी सुंगी अन्यास हिंदू बंदे ठीक है नहीं है छुट्टी नहीं करी पाई बीजेपी, बीजेपी की कोई वोट नहीं पाया जम्मू वाला, इस तरह की फिलहाल देखिए यहाँ पर युवा राजपूत सभा के साथ में रविंदर रैना खड़े हैं और युवा राजपूत सभा के तमाम लोग जो हैं उन्होंने इस समय यहाँ पर घेर कर रखा हुआ है रविंदर रैना को और कह रहे हैं कि अनाउंस कीजिए छुट्टी। फिलहाल आप देखिए अब रविंदर रैना जो है वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से हमें जाने दीजिए, लेकिन लोग देखें लोग यहाँ पर कैसे घेर कर बैठे हुए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर भरपूर प्रयास कर रही है, हम भी कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। रैना जी फिलहाल देखिए सवाल एक ही था, देखिए यहाँ से रविंदर रैना को यहाँ से रविंदर रैना जो है उनको पुलिस जो है कैसे यहाँ पर पुलिस ने अपना एक घेरा बनाया है और यहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो रविंदर रैना को लेकर जा रही है उनकी गाड़ी तक। ये देखिए रैना जी युवा राजपूत सभा दे मुड़े सारे साढ़े मुड़े ने, संगी मुड़े ने, कोई संघ दे कोई बजरंग दल दे विश्व हिंदू परिषद ने, सारे मुड़े अपने ने, कोई बाहर दे नहीं है। बड़ी देर थू जी डिमांड रखा दे, इनकी डिमांड बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी की भी ये डिमांड है कि 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए, साढ़े राजा है। हालांकि बीजेपी ने 26 अक्तूबर जोड़ा महाराजा साहब ने विलय दिवस किया वो भी महाराजा साहब की याद वो भी छुट्टी असें की थी है। महाराजा हरि सिंह जी एक जनसंघी बंदे है, संघ के जोड़े दुए सरसंघ चालक है गुरु जी उनके कन्ने उनकी दोस्ती ही और प्रजा परिषद जी बनाई ही पंडित प्रेम नाथ डोगरा होरें और बाद प्रजा परिषद जनसंघ में विलय हुआ हा और जनसंघ का विलय बीजेपी जो वो महाराजा हरि सिंह होरें बनाई ही। तो महाराजा हरि सिंह साढ़े पूजनीय आदर्शवान एक साढ़े मार्गदर्शक न साढ़े नेता न साढ़े पूजनीय महाराजा हरि सिंह बहादुर अस उनकी और सुनो और वो बीजेपी, मैंने कहा आप बीजेपी के ऑफिस में जाओ महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति लगी है, मेरी जो चेयर है मेरी कुर्सी जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है बीजेपी की उसके बैक साइड पीछे महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति चित्र लगा, क्योंकि वो हमारे जनसंघ के बीजेपी के एक संस्थापक थे। महाराजा हरि सिंह जी प्रजा परिषद के संस्थापक थे, जनसंघ के संस्थापक थे, वो संघ के एक मार्गदर्शक हमारे थे। तो इसलिए बीजेपी जो है महाराजा हरि सिंह जी जो हमारे आदर्शवान कार्यकर्ता हैं, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जैसे पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा हैं, जैसे ठाकुर बलदेव सिंह जी हैं, वैसे ही महाराजा हरि सिंह जी हमारे हैं, जनसंघ के हैं, बीजेपी के हैं, प्रजा परिषद के हैं। हाँ 26 अक्टूबर को जब महाराजा हरि सिंह जी ने विलय किया था भारत के साथ उसकी छुट्टी भी सरकार ने महाराजा हरि सिंह जी की याद में की है। अब युवा राजपूत सभा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये भी सारे हमारे हैं, सारे नौजवान जनसंघीन सारे
सारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद संघ के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और ये जी डिमांड करा दे अस इन कन्ने हैं। ये बिल्कुल सही है, साड़ा राजा हा उन्हें जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह बहादुर ने विलय किया हा और ये जड़े NC कांग्रेस PDP वाले है ये शेख अब्दुल्ला की ने इतने लिया हा और महाराजा साहब की इतों बाहर कढ़िया हा जहाँ और उन्हें लाश तक नहीं आने दिता। BJP आई है ना चारों तरफ देखो मूर्तियां सजा दी झंडे लगा देखो युवा राजपूत साहब देखो देखो मेरी बात सुनो देखो ये देखो ना ये है ये देखो सारे युवा राजपूत सभा के मेंबर है ना ये सब जनसंघी बंदे भरावा और अस इन्हें लेइए अस मैं गवर्नर साहब की मिल गया अस आपे मिल गए और इन्हें ये जड़ा छुट्टी जी होनी चाहिए है। युवा राजपूत सभा जी है वो साड़ी है वो कोई साढ़े मुड़े ना साढ़े बच्चे ना और हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ साढ़े मुड़े रविंदर रैना ने फाइनली जो है देखिए मैं बताऊं कि सुबह से यहाँ पर युवा राजपूत सभा जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही थी। वो धरना प्रदर्शन इसलिए था कि महाराजा श्री हरि सिंह जी के जन्मदिन पर यानी कि 23 सितंबर को छुट्टी होनी चाहिए, अवकाश होना चाहिए। फाइनली रविंदर रैना ने अपने मुंह से ये कह दिया है कि हाँ छुट्टी होगी। अब देखना ये है कि रविंदर रैना ने ये जो यहाँ पर कमेंटमेंट की है ये महज युवा राजपूत सभा को बहलाने के लिए की है या फिर वाकई में 23 सितंबर को महाराजा श्री हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर अवकाश होने वाला है यानी के छुट्टी होने वाली है। आप लोग देखते रहिए अली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।